क्लास स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो आपको बेसिक मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ फिजिक्स जिसमें कैलकुलस का पोर्शन जो था तौर से डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला हिस्सा वो समझना है आपको और मैं आज के वीडियो में जो भी 40-45 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको मैं डिफरेंशिएशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और डिफ्रेंशिएशन भी उतना ही सिखाऊंगा जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है क्लियर कर दूँ मैं डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक हिस्सा है और आपको बता दूँ कैलकुलस की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें हैं और डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन के लिए भी बुकों का भंडार है तो हम इतना डेफ्थ में नहीं जा रहे हैं हम डिफरेंशिएशन का केवल उतना हिस्सा समझेंगे जितने से हमारा ग्यारहवीं और बारहवीं का फिजिक्स समझ में आ जाए जेई के न्यूमेरिकल हो या नीट के न्यूमेरिकल हो वो हमसे बन जाए उतना मैथमेटिक्स हमको आना जरूरी है तो जिन बच्चों ने इलेवेंथ में एंट्री लिए वो भी देखें जो बच्चे बात ट्वेल्थ में गए हैं और अगर उनका डिफ्रेंशिएशन कमज़ोर रह गया कि कई बार क्या होता है कि जब हम इलेवेंथ में जाते हैं एंट्री लेते हैं तो शुरुआत में ही दो चार आठ दिन में ये डिफ्रेंशिएशन और इंट्रीगेशन हो जाता है तो हम तो शुरुआत में कई बार ऐसे रह जाते हैं कि इस कोचिंग में जाएं कि उस कोचिंग में जाएं स्कूल के अंदर भी बुक्स नहीं है तो ये नहीं है मजाक में लेते हैं हल्के में लेते हैं इलेवंथ के शुरुआत के दिन और हमारा डिफ्रेंशिएशन इंट्रीगेशन हाथ से छूट जाता है तो जिन बच्चों ने ट्वेल्थ वालों का भी डिफ्रेंशिएशन कमज़ोर है वो आज का वीडियो देखें मेरा और इलेवंथ वाले तो देखें ही देखें जो इलेवंथ में जिन्होंने प्रवेश लिया है एंट्री लिए वो भी देखें क्या होता है डिफ्रेंशिएशन क्या समझा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है डिफ्रेंशिएशन उसको समझने से पहले आप थोड़ा सा एक वर्ड समझे स्लोप फिर मैं आपको डिफ्रेंशिएशन समझाऊंगा डिफ्रेंशिएशन समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा स्लोप क्योंकि एक हिसाब से डिफ्रेंशिएशन स्लोप ही होता है मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वान्टिटी जैसे पोटेंशियल और ये क्या था आपका करंट आप लोगों ने टेंथ क्लास में एक क्वान्टिटी पढ़ी हुई पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का क्राफ इसको आप ओम्स ओम्सला भी कहते थे तो जब आप इस प्रकार से ग्राफ बनाते हो वी बढ़ाते जाते हैं तो आई भी बढ़ते जाता है आप इसके दो कोई पॉइंट ले लेते हो एक पॉइंट ए ले लिया एक पॉइंट आपने बी ले लिया इज इट क्लियर तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू वी वन है यहाँ पोटेंशियल बढ़ गया यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू वी टू है यहाँ करेंट की वैल्यू आई वन है और यहाँ पे करेंट की वैल्यू कितनी है आई टू है फिर आप क्या करते हो इसको इस प्रकार से मिलाते हो इसको इस प्रकार से मिलाते हो अर्थात तो ये जो हाइट है ये वी टू है और ये जो हाइट है ये v1 है अगर मैं इन दोनों हाइट के बीच का डिफरेंस निकालूं, तो इतना जो हिस्सा है मेरा ये हिस्सा होगा V2 टू माइनस वी मतलब ये वाला हिस्सा है ना आप इसी प्रकार यहाँ पर करेंट की वैल्यू कितनी है I2 है और यहाँ करेंट की वैल्यू कितनी है I1. तो ये जो डिफरेंस है ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहूँगा मैं आई टू माइनस और जब आप रजिस्टेंस निकालते थे तो रजिस्टेंस किसको कहते थे v2 टू माइनस वी वन अपॉन आई टू माइनस आई वन एक्चुअली में ये क्या है ये स्लोप बताता है क्या बताता है स्लोप ऑफ वी आई कर्व क्या बताता है स्लोप ऑफ वी आई कर्व और अगर ये बहुत छोटा हो जाए समझ में आ रहा है बहुत छोटा हो जाए अभी तो मैंने वी और आई लेके समझाया अब मैं आपको एक्स और वाई लेके समझा तो जनरली अधिकांश ग्राफ Y वाई और एक्स पे बनेंगे और वाई अपन वाई एक्सिस पे लेंगे एक्स अपन एक्स एक्सिस पे लेंगे ओके ये एक कोई पॉइंट लिया अब मैंने इसके दो पॉइंट बहुत पास पास ले लिया तो ये जो है समझने की कोशिश करना ये जो वाई में परिवर्तन है इसको मैं चाहूँ तो वाई टू माइनस क्या कह सकता हूँ वाई वन और इसको क्या कह सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन और अगर ये परिवर्तन जो हो रहा है कितना एक्स में परिवर्तन करा आपने आपने एक्स में इतना परिवर्तन किया तो वाई में इतना परिवर्तन हो गया ओके तो चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इसको कहते हैं डी वाई बाय डी एक्स निकालना इसी को आप डिफ्रेंशिएशन निकालना कहते हो और इसी को स्लोप भी कहते हो अब मैं आपको यहाँ पे तीन एक ग्राफ से और समझाऊंगा ध्यान से देखते चलें एक साथ तीन ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर एक ये दूसरा ये तीसरा एक ग्राफ ऐसा है एक ऐसा है और एक ऐसा है ना तीनों ग्राफों में अंतर समझ में आपको आ जाएगा अगर मैं इतना चेंज कर रहा हूँ किस में ये जो चेंज है वो एक्स में है इतना ही मैं यहाँ एक्स में यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ ओके okay, इतना ही मैं एक्स में यहाँ चेंज कर देता हूँ आपको वाई में कितना कम चेंजेस मिला देखिए यहाँ ये यह इतना है ये ऐसा रहा ओके तो जो आपका इतना एक्स बदला तो वाई तो बहुत कम बदला आपका वाई कैसे चेंज पता चलेगा वाई में चेंज यहाँ से पता चलेगा ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाई में चेंज बताएगा तो वाई में चेंज तो बहुत कम हुआ आपका सब कुछ चेंज किस में हुआ एक्स में चलिए नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो ये जो दो पॉइंट लिए मैंने कर्व वो पे ये लिए अब इसको देखो आप एक्स में इतना परिवर्तन किया तो वाई में तो इतना सा ही परिवर्तन हुआ आप ध्यान से देखो आप ये एक्स ओके okay, ये दो पॉइंट अपने को कर्व पे मिल गए तो आप यहाँ पर देखें कि इतना सा एक्स बदला तो वाई में इतना सारा परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ स्लोप ज्यादा है वाई में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है एक्स में हल्का सा भी परिवर्तन कर रहे हो तो भाई में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तो यहाँ क्या कहेंगे स्लोप ज्यादा है यहाँ स्लोप इससे कम है और यहाँ तो स्लोप बहुत ही कम है वैसे भी आपको तो खुद ही को दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है इसका ढलान इसका स्लोप यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है यहाँ और कम है अगर कोई करों में ऐसा होता मतलब स्लोप ही नहीं है समझ में आ रहा है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाता जीरो हो जाता इसका dy/dx कितना हो जाता जीरो हो जाता और ये जो dy/dx है यही निकालना क्या है डिफरेंशिएशन है नहीं समझ में आया सर ग्राफ ग्राफ समझा रहे थे आप चलो ठीक है आप बोलो तो हम आपको डे टू डे लाइफ से एक छोटा सा एग्जांपल समझाएं डे टू डे लाइफ से एग्जांपल समझाएं कैसे समझाएं आपको ज्यादा के लिए पता और एक के लिए निकालना उसको कहते हैं डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेशन किसको कहते हैं एक के लिए पता और ज्यादा के लिए निकालना उसको इंटीग्रेट करना कहते हैं सिंपल सी भाषा में इससे ज्यादा सिंपल तो मैं नहीं समझा सकता अगर आपको क्या करना है ज्यादा के लिए पता है और स्मॉल के लिए निकालना है तो वो डिफरेंशिएशन और स्मॉल के लिए पता है और ज्यादा के लिए निकालना है तो वो क्या हो गया इंटीग्रेशन अपनी डे टू डे लाइफ में उसको इंट्रीगेशन और डिफ्रेंशिएशन नहीं कहना चाहिए फिर भी समझाता हूँ मैं आपको कि आपको दस पेन की कीमत पता है और एक की निकाल लेते हो डिफ्रेंशिएशन एक की पता है और बीस की निकाल लेते हो वो आपकी भाषा में क्या हो गया इंट्रीगेशन हो गया अब मैं आपको ग्राफ प्रॉप्स में ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा आपको मैं ग्राफ्स में ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन करना सीखाऊंगा क्लियर है देखते हैं अगर कोई फंक्शन में लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन फंक्शन कैसा है वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो कैसे होगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एन एक्स टू दावर एन माइनस वन एक पावर क्या हो जाएगी कम सर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं एग्जाम्पल लेते हैं तो और समझ में आएगा x की पावर फाइव है क्या लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स टू पावर फाइव और कहा गया डी वाई बाय डी एक्स निकालो तो डी वाई बाय डी एक्स कितना होगा पावर आगे एक पावर कम ये हो गया डिफ्रेंशिएशन इट क्लियर फिर एक और करते हैं यहाँ लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स टू पावर माइनस थ्री तो बोले इसको डिफ्रेंशियट करो तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स टू पावर माइनस थ्री उसमें भी एक कम करना है और तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर तो कितना जाएगा माइनस थ्री एक्स टू पावर माइनस फोर कहीं पे लिखा है वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वेयर तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप क्या करेंगे वा इक्वल टू एक्स टू दावर माइनस टू लिखेंगे क्या लिखेंगे एक्स टू दावर माइनस टू तो वाई बराबर कितना जाएगा आपका माइनस टू आगे एक्स की पावर माइनस टू में से एक कम हो जाएगा तो माइनस टू एक्स टू पावर माइनस थ्री इन दिस वे हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट अब किसी बच्चे के मन में होया कि सर माइनस वन का क्या होगा वन अपान एक्स का वाई इक्वल टू लिखा है वन अपान एक्स इसका क्या होगा भैया करके देख लें तो उसने बोला सर वाई इक्वल टू एक्स टू दावर माइनस वन लिख दो मैंने कहा लिख दें फिर बोले वाई इक्वल टू माइनस वन आगे आएगा आगे आएगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन पहले से था उसमें से एक और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स टू दावर माइनस टू इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इस प्रकार से हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे जब क्या हो एक्स टू पावर एन के फॉर्मेट में हो जरूरी नहीं है कि ये एक्स में ही वेरिएबल हो वेरिएबल टी में हो सकता है थीटा में हो सकता है किसी में भी वेरिएबल आ सकता है अगर ऐसा लिखा होता वाई इक्वल टू फाइव आप डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स निकालिए तो इसका डी वाई बाय डी एक्स कितना आता डी वाई डी एक्स इसका जीरो आता क्यों क्योंकि इसमें x वाला टर्म ही नहीं है इसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं है अगर वाई इक्वल टू एक्स हो केवल कितना हो वाई इक्वल टू एक्स हो तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू अब देखो इसमें वन है तो वन कहाँ आएगा? आगे फिर एक पावर कम हो जाएगी तो पहले से वन था उसमें से एक गया तो वन में से वन माइनस होगा कितना हो जाएगा जीरो तो वन इंटू एक्स की पावर जीरो एक्स पावर जीरो होना मतलब वन वन इंटू कितना जाएगा वन तो बराबर वन हो जाएगा तो इससे क्या क्लियर हो गया कि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होगा इज इट क्लियर और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा वन होगा तो आपको ये टर्म सम, समझ में आ गया होगा मेरा पहला फार्मूला कि अगर क्या दिया हुआ है एक्स टू दावर एन है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है एन एक्स टू दावर एन माइनस वन एक और सिखा दिया y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो क्या दिया हुआ है कोई कांस्टेंट कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा उसका डी वाई बाय डी एक्स कितना आएगा जीरो आएगा इज इट क्लियर ठीक है नाउ अब हम दूसरे फॉर्म ले कर जाते हैं ये हमने क्या पढ़ लिया एक्स टू दावर एन का पढ़ लिया इसके बाद आएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या पढ़ेंगे इफ वाई इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग ई बेस ई बेस ही चलेगा यहाँ पर लॉग ई बेस एक्स तो क्या डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू होगा वन बाय एक्स कितना आएगा वन बाय एक्स आएगा ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इज इट क्लियर ये जो फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ ये फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे तो आपसे काम होगा इसी प्रकार अगर मेरे को कहा जाए कि वहां इक्वल टू ई टू पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो मैं क्या लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ई टू पावर एक्स रहेगा क्योंकि ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशियशन कितना होता है ई e टू एक्स ई टू दावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है ई टू दावर एक्स होता है याद रखेंगे आप लोग एक छोटा फार्मूला और दे दूं वैसे तो फार्मूला नहीं है वो उसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करके ही निकाला है फिर भी कहते हैं तो चलिए अभी हम बाद में देखेंगे अब और डिफ्रेंशिएशन में जाते हैं अगर वाई इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स क्या दिया हुआ है साइन एक्स थीटा की जगह एक्स है यहाँ वेरी वेरी कौन कर रहा है एक्स कहीं पे थीटा वेरी करता है तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस एक्स कितना आएगा कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स याद रखें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स इस बात का ध्यान रहे अगर वाई इक्वल टू लिखा हुआ है साइन थीटा और बोले कि डी वाई डी एक्स निकालो तो आपका जीरो आएगा क्यों कारण क्या है कि ये वेरी थीटा पे हो रहा है और आपको डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने को कहा तो एक्स आप कितना दो ठीक थी। साइन थीटा थोड़ी बदलेगा और ये तो परिवर्तन बताता है तो भैया जो वाई है उस एक्स के बदलने पर वाई में कोई परिवर्तन होगा क्योंकि एक्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है वाई से वाई इक्वल टू तो साइन थीठा इस फॉर्मूले में कहीं कोई एक्स है क्या नहीं है आप वा एक्स को बढ़ाओ कि घटाओ उससे साइन थीटा में क्या परिवर्तन होने वाला है कोई परिवर्तन थोड़ी होने वाला है अभी जैसे लॉकडाउन के अंदर हम तो लॉकडाउन के अंदर हैं बाकी दूसरी जगह लॉकडाउन खुल गया तो हमारे उस पर क्या असर पड़ रहा है कोई असर थोड़ी पड़ रहा है तो वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई इक्वल टू साइंटीटा इसमें एक्स तो है नहीं तो आप एक्स को खूब भी बदलोगे खूब भी बदलोगे तो साइन थीटा के मान में थोड़ी परिवर्तन आएगा मतलब कुल मिला के वाई में कोई चेंजेस नहीं होगा और हम आगे बढ़ते हैं अगर वहा इक्वल टू हमारा लिखा है कॉश एक्स क्या लिखा है कॉश एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स कितना होगा माइनस साइन एक्स कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन है ना याद रहेगा एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स लिखेंगे अब हमारे पास एक होता है टेन एक्स वाई इक्वल कितना है आपका टेन एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लिखते हैं सेक स्क्र एक्स कितना आएगा एक्स आप ये नोट करें इसको लर्न करें और ये सब फॉर्मूले मुझे भी कोई एक दिन में थोड़ी याद हुए हैं वो तो प्रैक्टिस के आधार पर होते हैं ठीक है अगर वाई इक्वल टू लिखा हुआ है कॉटेक्स क्या लिखा है कॉटेक्स तो डी वाई बाय डी एक्स कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस कॉसेक स्क्र एक्स कितना हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्र एक्स जैसे टेन का सेक स्क्र एक्स तो कॉट का कॉसिक स्क्र एक्स बट माइनस के साथ इज इट क्लियर आप यहाँ पर हम देखेंगे वाई इक्वल टू तो अगर सेक एक्स लिखा है क्या लिखा है सेक एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू तो होगा सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स होगा डिफ्रेंशिएशन याद रहेगा रखना ही पड़ेगा अगर वहाँ इक्वल टू आपको दे रखा है cosec एक्स क्या दे रखा है cosec एक्स तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस cosec एक्स कॉट एक्स ये सब फॉर्मूले हैं जो आपको आपको बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कर करके याद करना पड़ेंगे इसमें कोई मैं टेक्निक नहीं सिखा सकता क्या सर आप टेक्निक सिखाइए कैसे याद करना है मेरे पास कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है इनको याद करवाने की बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मैं खुद भी भूल जाता हूँ कभी कभी मुझको भी कन्फ्यूज़न हो जाता है ओके okay, बट ठीक है अब इतने सालों से करते आ रहे हैं तो हमको उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं जब आप करोगे तो आप तो ये भी भूल जाओगे साइन का कॉस था कि कॉस का साइन माइनस था कि नहीं था कई बार बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है साइन का कॉस एक से याद रहता है कॉस का माइनस साइन लगाना है कि इसमें माइनस का था थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप याद आ सबसे पहले साइन एक्स का कॉसक्स सीखते हैं इसमें कोई माइनस नहीं होता है और कॉस एक्स का जब पे दूसरी बार करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के अभी क्या सिखाए मैंने आपको फार्मूले सिखाए अब मैं डिफरेंशिएशन को किसी इक्वेशन में अप्लाई करके सिखाता हूँ कि कैसे क्या होगा देखते हैं अपन बहुत बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाए तो जो एक कहा जाता है महीने भर चलने वाला टॉपिक है स्पेशली ट्वेल्थ क्लास में यहाँ पे देखते हैं एक पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फाइव टी प्लस टू टी ओके प्लस वन ऐसा कुछ दे दिया गया है ओके अब कहा जा रहा है कि टी बराबर टू सेकंड पर टी बराबर टू सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट, ओके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करो क्या पता करो डिस्प्लेसमेंट पता करो वेलोसिटी पता करो और एक्सेलरेशन करो आप डिस्प्लेसमेंट निकालो या मत निकालो मेरे को कुछ मतलब टी बराबर टू रखोगे सब दूर यहाँ टी की जगह टू तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उससे कोई लेना देना नहीं आपसे क्या कहा गया एस इक्वल टू कितना है फाइव टी स्क्र प्लस टू टी प्लस वन मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ टी डिस्प्लेसमेंट इज इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ टी आपको क्या निकाल कर देना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि वेलोसिटी किसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब डी एस अपॉन डी टी किसको कहते हैं डी एस अपन डी टी को आप वेलोसिटी कहते हैं तो सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अब डिफरेंशिएटन में ध्यान दें तीन टर्म है तो तीनों का अलग अलग होगा कैसे होगा पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका डी बाई डी टी अब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना है ये पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पर वेरी कर रहा है टाइम के आधार पर वेरी कर रहा है आप अपना खड़े हो एक घंटे बाद कहीं और खड़े होंगे दो घंटे बाद कहीं और मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है ना कि एक्स तो आप रेस्पेक्ट टू करना है चलिए सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं फाइव टी स्क्र फिर किसका डिफ्रेंशिएशन आएगा इसका टू टी का किसका डिफरेंशिएशन करना है डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई डी टी करना है डी वाई डी टी करना मतलब दिए गए टर्म का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना कौन सा टर्म है टू टी फिर प्लस फिर डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई डी टी करना है किसका वन का आप समझिए आपको बताया है कि ये जो नंबर है कांस्टेंट है यहाँ पर आप कोई बोले सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो बताए हाँ ये ये यहाँ इसमें टी नहीं है ये कांस्टेंट है ये इकलौता टर्म है इसमें आप टी बढ़ाओ कि घटाओ इस टर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टी के बढ़ने का के घटने का इस टर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए यह टर्म पूरा कांस्टेंट इसमें टी नहीं है जिस टर्म में टी नहीं होता वो टर्म कांस्टेंट होता है या ये कह दो जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होता वो टर्म कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा ठीक है अब इन टर्म की बात करते हैं इसमें फाइव का नहीं होगा फाइव आगे हो जाएगा फाइव बाहर आ जाएगा और टी स्क्र का डिफ्रेंशिएशन होगा किसका डिफरेंशिएशन होगा टी स्क्र का डिफरेंशिएशन अब मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्र के डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि नंबर आगे आ जाता टू आगे आ जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा एक पावर कम हो जाएगी इसी प्रकार ये टू कहाँ आएगा आगे आगे पहले से कौन है आगे पहले से कौन तो तो प्लस। प्लस। यहाँ टू का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा टू बाहर रहेगा और टी का टी के रेस्पेक्ट में एक्स का एक्सप्रेस में वन होता है तो यहाँ बचा टी यहाँ केवल क्या बचा टी तो टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो गया वन तो ये क्या आ गया आपका टेन टी प्लस टू इक्व प्लस जीरो प्लस जीरो को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं ये मेरी वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो वेलोसिटी वी बराबर कितना आया है आपका टेन टी प्लस टू अब आपको टी बराबर टू सेकंड पे वेलोसिटी निकालने को दी है किस पे दी है टी बराबर टू सेकंड पे तो इस टी की जगह क्या रख देंगे आप टू इस टी की जगह क्या रखेंगे टू तो वेलोसिटी वी इक्वल कितना आ गया टेन इंटू टू प्लस टू तो बराबर कितना आ जाएगा v इक्वल टू कितना हो टेन इंटू टू कितना हो गया आपका ट्वेंटी प्लस टू तो बराबर कितना आ गया आपका ट्वेंटी टू मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी निकल आई कौन से क्षण पे कौन से समय पर जब आपकी घड़ी में दो सेकंड हो रहे थे ओके okay. अगर अब उन्होंने पूछा कि एक्सलरेशन निकालो क्या निकालो एक्सलरेशन निकालो तो एक्सलरेशन किसको कहते हैं डी वी बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को याद आ रहा है डी बी बाई डी टी तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो टर्म दिख ही रहा है कि इसमें टी नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा किसका होगा डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी किसका होगा टेन टी का अब टेन टी में से टेन तो आगे आ जाएगा ओके और टी का टी के रेस्पेक्ट में टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है वन तो आपका कितना आ गया टेन और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट क्या होती है एक्सलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन हमारे को उपयोग में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार से न्यूमेरिकल देंगे आपको चलिए एक दो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग समझ में आएगा लंबा टॉपिक है जितने जितने क्वेश्चंस करते चलोगे उतने आते जाएंगे देता हूं अगर चलो सर टी टी अब बहुत ही हो गया अब वाई से ही दो वाई इक्वल टू लिखा हुआ है फाइव एक्स टू दी पावर फोर प्लस यहाँ पे दे दिया है टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वेर अपॉन टू प्लस रूट एक्स प्लस वन इतना लंबा चौड़ा दे दिया बोले इसका डिफ्रेंशिएशन करो हम तो देख के घबरा गए कितने बड़े का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बहुत आसान होगा बहुत ही आसान होगा हर एक टर्म का अलग अलग करना है बस आपको ये कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है डी वाई टर्म करना ये टर्म को देखो इस टर्म में एक्स है हा है, मतलब होगा एक्स है मतलब उस टर्म का होगा अब फाइव तो नंबर ठहरा रहने दो एक्स की पावर है चार फोर तो फोर कहाँ आएगा आगे और एक पावर क्या हो जाएगी कम तो फोर में से कम होगी तो कितनी होगी थ्री खत्म खेल काहे को घबराते हो प्लस अब इस टर्म में देखो एक्स है क्या दूसरे टर्म में हाँ है तो होगा जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो कांस्टेंट कौन है टू बाय थ्री टू अपॉन थ्री इसका कोई लेना देना नहीं वो बाहर हो गया अब एक्स की पावर कितनी है थ्री तो एक्स की पावर थ्री है तो थ्री आगे आएगा थ्री मल्टीप्लिकेशन में आगे आ गया और एक पावर क्या हो जाएगी कम तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी टू चलो प्लस अब यहां से ये थ्री बाय टू को आगे लिखेंगे हम तो गया गया, वन तो बची प्लस अब ये क्या है रूट एक्स क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट इसका तो जीरो होगा वन नंबर है इसमें कोई एक्स वेक्स है नहीं तो इस टर्म का तो जीरो होगा तो मैंने पहले जीरो लिख देता हूँ बहुत आसान है अब रूट एक्स का रूट एक्स का नहीं समझ पड़ रहा तो आप पहले रूट एक्स को ऐसे लिखो रूट एक्स को क्या कहते हैं एक्स की पावर हाफ किसी पे रूट लगाए मतलब एक्स पावर हाफ अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने में पावर कहाँ जाएगी बेटा आगे की ओर कहाँ जाएगी आगे की ओर तो हाफ एक्स की पावर अब कितनी बचेगी जो हाफ है उसमें से एक क्या हो जाएगा कम तो अब कितना जाएगा हाफ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी एक कम होगी तो माइनस हाफ बचे कितनी बचेगी माइनस हाफ अब किसी की पावर माइनस में होना तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो प्लस की हो जाती है तो वन अपॉन टू नीचे ले जाओ और एक्स की पावर क्या हो जाएगी आपकी नीचे हो जाएगी हाफ और किसी की पावर हाफ होना मतलब क्या हो जाना रूट लग जाना मतलब नीचे क्या हो जाएगा वन बाय टू रूट एक्स कितना हो जाएगा वन बाय रूट टू एक्स तो ये पूरे का मैंने क्या करा एक साथ यहाँ करके रख दिया और लिख दिया वन बाय टू रूट एक्स कैसे आया तो इसके लिए संपर्क करें इस कोने को इसको ने भी पूरे एक्सप्लेनेशन किया है थोड़ा सा एक बार इसको गार्निशिंग कर लें हम फाइव इंटू फोर ट्वेंटी एक्स टू दीपा थ्री ये थ्री से थ्री मर गया तो कितना हो गया टू एक्स स्क्वेर प्लस ये टू से ये टू मर गया तो कितना हुआ थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स अब प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं तो ये मेरा क्या निकल आया डी वाई बाय डी एक्स इट्स वेरी इजी कोई टफ़ नहीं है आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन करना आपको आ जाएगा बस फॉर्मूले याद करना है आपको तो सब आ जाएंगे चलिए रफ करें हम इसे एक क्वेश्चन अब आपको देंगे पॉज करके आपने करना करने की कोशिश करना फिर मैं करूंगा ठीक है तो आप मिलाना कि आपने सही किया कि गलत किया ओके बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करें चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू साइन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स प्लस लॉग एक्स ओके इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किस रेस्पेक्ट में करना है एक्स के रेस्पेक्ट में आप लोग करिए मैं स्क्रीन से हट गया हूँ आप क्वेश्चन नोट करिए शांति से और इसको करने की कोशिश करिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आसानी से हो जाएगा जब तक मैं पानी पी लेता हूँ अच्छा ए, जिनका हो गया और ठीक है नहीं तो पॉज कर दें मैं तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ ओके यस नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्या निकालना है डी वाई बाय डी एक्स तो साइन एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स की रेस्पेक्ट में सॉरी कॉस एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स प्लस एक्स की पावर थ्री है तो थ्री आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी प्लस टेन एक्स का होता है से स्क्र एक्स प्लस लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स ये किस बेस में होता है e ई बेस में होता है समझ में आ रहा है आपको इस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना आपके लिए अब आसान है परंतु ये थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड भी करते जाऊंगा मैं आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा है डिफ्रेंशिएशन में तीन चार रूल हैं एक होता है यू इन वी का रूल एक यू बाई वी का रूल एक होता चेन रिएक्शन का रूल तो हम यहाँ पर देखते हैं आपको समझाते हैं जितना समझा पाए अच्छी बात है पहले तो आपको चेन रिएक्शन समझाते हैं चेन रिएक्शन समझाएंगे फिर डिफरेंशिएशन यू बाई वी का समझाएंगे अगर लिखा हुआ है फंस गए आप, क्योंकि यहाँ क्या दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स नहीं दिया है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है। वो तो आपने बताया तो साइन एक्स का बताया साइन yes, एक्स का बताया है ना तो आप एक काम करिए इसको अपनी आंखों में एक्स जैसा बसा लीजिए इसको आप एक्स मान लीजिए क्या दिख रहा है वो आपको Sinex दिख रहा है तो आप डिफ्रेंशियन करोगे तो क्या करोगे बस बस जो आपकी आंखों में बताया आपने इसको x माना है तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos एक्स परंतु कॉस एक्स होता है परंतु तो आपने किसको एक्स माना था एक्स स्क्वायर को माना था हो गया अभी नहीं हुआ आपने जिसको x माना था उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपने x स्क्वायर को x माना था तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2x अब ये 2x एंगल के साथ नहीं आएगा ये 2x आगे लिखाएगा 2x cos x स्क्वायर नहीं समझ में आया सर कोई बात नहीं अभी आ जाएगा y इक्वल टू लिखा हुआ है log log 3x प्लस टू ऐसा दिया हुआ है बोले इसका डिफरेंशिएशन करो फंस गए हमको तो लॉग एक्स का आता है लॉग एक्स का आता है परंतु तो लॉग के साथ इतनी बड़ी लाइन दे दी तो जो दिया है उसको अपनी आंखों में एक्स मान लो कि केवल एक सिंगल टर्म है एक्स तो लॉग एक्स का कितना होता था वन अपॉन एक्स होता था क्या होता था वन अपॉन एक्स होता था परंतु तो भी एक्स नहीं आपने इसको एक्स माना है तो थ्री एक्स क्यूब प्लस टू आएगा नीचे क्योंकि तो पूरे को एक्स माना तो पूरा लिख दिया फिर इसके बाद जिसको एक्स माना है उसका करना पड़ेगा आपने इसको एक्स माना है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो थ्री इंटू थ्री कितना नाइन एक्स स्क् और टू का वन तो इस प्रकार से इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन यहाँ आएगा एक और क्वेश्चन करते हैं तो शायद समझ में आ जाए आप लोगों को क्या करा जाए कैसा लिखा हुआ है वाईक्वल टू टेन टेन एक्स टू दावर फाइव ये देखा हुआ है टेन एक्स टू दावर फाइव आपको टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाया है इसका नहीं सिखाया तो आप क्या करेंगे इस पूरे को x मान लो बस मानो मानो पहली बार x मानो तो divide by dx कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा one upon sorry ten का होता है sec तो कितना हो जाएगा sec square x लिखना है परंतु तो आपने x नहीं जिसको आपने x माना है वो लिखना है x to the power कितना जाएगा five अब आपने किसको x माना था x to the power five को तो जिसको x to the power five को माना था उसका भी एक बार differentiation

और पीछे एंगल के साथ कोई चीज आ रही है तो उसको आपस में एक साथ ना लिखे है ना अलग अलग है दोनों का महत्व तो अलग है तो कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन समझ में आए हैं आपको कुछ कुछ ही आया होगा है ना सब कुछ नहीं आएगा इसको चार पांच बार वीडियो को देखें और करें तो आपको समझ में आने लगेगा इलेवंथ क्लास है ना ध्यान से समझें इस बात को मैं एक आपको यू बाय वी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अगर कोई फंक्शन एफ यू अपॉन वी के कॉन्सेप्ट में है और आप उसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो मान लो आप डी एफ बाई डी एक्स निकालना चाहते हो तो ओके से पहले यू बाई एफ एल से आ गया सॉरी पहले यू बाई एफ का नहीं सिखाते हैं यू इन वी का सिखाना था मुझे अगर कोई फंक्शन एफ ऐसा है कि यू इंटू वी के कॉन्सेप्ट का है मतलब दो फंक्शन है पहला भी फंक्शन है और दूसरा भी फंक्शन है दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शनों को किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में आ गए मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहां पर लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स टू दावर फोर ई टू दावर एक्स क्या किया जाए इसको पहला माना जाए किसको दूसरा ये दोनों है इसको डिफ्रेंशिएट करें हम तो फंस गए यहां पर ठीक है ऐसे केसेस में आपको टेक्निक को यूज करना पड़ेगा इज इट क्लियर तो देखें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर देखते हैं हम लोग अगर दो फंक्शन हैं तो हमें क्या करना है डी एफ बाय डीएक्स निकालते वक्त एक को पहले वाले को छोड़ दें आप और डिफ्रेंशिएशन किसका करें डी वी बाय डी एक्स का करें फिर प्लस क्या करना है प्लस करना है और पहले वाले को छोड़ देना है दूसरे वाले को छोड़ देना और पहले वाले का कर देना है आपको मतलब क्या है डिफ्रेंशिएशन का रूल कि दो बंदे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक को बिठा दो दूसरे को कर दो ठीक है अब दूसरे को डिफ्रेंशियट कर चुके हो तो अब दूसरे को, को रेस्ट में रहेगा वो तो पहले वाले को डिफ्रेंशियट कर दो इस प्रकार की टेक्निक आपको यूज करनी है जैसे कि यहाँ पर ये रहा दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे तो कैसे डिफ्रेंशियट करेंगे हम तो डी वाई वाई हमको क्या निकालना है डी एक्स निकालना है तो हमने इसको पहला टर्म माना तो पहले टर्म को हमने क्या करा एक्स टू दावर फोर को रेस्ट में रखा एक्स टू दावर फोर को किस में रखा रेस्ट में डिफरेंशियन किसका करना है ई टू दावर एक्स का तो डिफ्रेंशियन करना है डी ए डी वाई डी एक्स निकालना है किसका ए टू दावर एक्स का प्लस फिर ई टू दावर एक्स को नहीं छेड़ना है जिसका कर चुके हो डिफरेंशिएशन उसको रहने दो अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है जिस टर्म का रह गया है डीवाई डी एक्स किसका निकालना पहले वाले का ओके okay. तो ये एक्स टू दावर फोर और इ टू पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है टू पावर वापस ठीक है प्लस यहाँ तो ई टू पावर एक्स है और ये क्या एक्स की पावर फोर है तो इसका कितना डिफ्रेंशियन होता था है कितना हो जाएगा और एक्स क्यूब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ई टू पावर एक्स और एक्स क्यूब बाहर निकल रहा है तो आप क्या लिख सकते हो ई टू दावर एक्स इन टू एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगी एक्स की एक पावर ई टू पावर एक्स बाहर जा चुका है और यहाँ बचेगा फोर एक्स प्लस फोर इस प्रकार से आपका आंसर आएगा डिफरेंशिएशन में आप बोलोगे सर ये e क्या है e एक्सपोनेंशियल टर्म है कौन सा टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म है एक वर्ड होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक वर्ड बोलते एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन मतलब क्या होता है कि ये वर्ड वहां बेसिकली यूज करना चाहिए जहां एक स्पेशल टाइप में परिवर्तन हो रहे होंगे स्पेशल टाइप में परिवर्तन हो रहे हो मतलब जैसे कि शुरुआत में धीरे 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 और बाद में अचानक तेजी से होने लग जाए ओके okay, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाना ओके okay, पहले धीरे धीरे फॉल डाउन हो रहा था तो फिर अचानक तेजी से होने लग गया फॉल डाउन तो ये एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन कहलाएगा तो ऐसे वक्त जो क्राफ होते हैं जो कर्व होते हैं उनके स्लोप में अपन कह रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं मतलब टू द पावर की बात ही कर रहे हैं तो ऐसे वक्त हमको ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स डेवलप हुआ है मैं इसको और अलग से पढ़ूंगा ए टू दी पावर वाले टर्म्स यूज करते हैं क्या महत्व होता है कैसे वो जन्म लिया वो एक्सपोनेंशियल है मैथ्स का एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि इलेवेंथ में है ही नहीं आपके हाँ पे मेरे पास फिजिक्स में इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है अभी शुरुआती दौर में आगे हायर क्लासेस में जाओगे आप तो ये टू पावर एक ही चला करेगा मैथ्स क्योंकि जो मैथ्स का डेवलपमेंट है वो फिजिक्स के लिए ही है स्पेशली ध्यान रखें आप चलिए तो अभी तो मैं डिफ्रेंशिएशन सिखा रहा हूँ आप लोगों को एक आधी और क्वेश्चन देता हूँ तो आपको समझ में आए एक ध्यान दे वहाँ इक्वल टू एक सिंपल सा क्वेश्चन है ई टू दी पावर फाइव सेवन एक्स क्यूब बोले इसका डिफरेंशिएशन करो हमको नहीं आता क्योंकि हमको तो ई टू दी पावर एक्स का सिखाया सर ने किसका सिखाया ई टू दी पावर एक्स का तो आपको परेशान नहीं होना है इस पूरे को पहली बार में क्या मान लो एक्स मान लो ठीक है तो आपको क्या सिखाया है डी वाई e x बराबर अगर e टू द पावर x है तो उसका वापस क्या हो जाता है e टू द पावर x परंतु तो तो x किसको माना है आपने 7 x क्यूब को माना है इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है किसका डिफरेंशिएशन करना है किसका जिसको आपने x माना था किसको माना था जो माथे पर सर पे पावर लगी हुई उसको किसको 7 x क्यूब को आपने x माना था तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो अब डिफ्रेंशियट करने में पावर कहाँ आती आगे और एक क्या हो जाती कम तो ट्वेंटी वन एक्स जाएगा आपका ट्वेंटी लिखा गया आगे पीछे चलता है ना यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन का तरीका है कोई बात नहीं अब और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केस की ओर जाते हैं हम लोग कहाँ कॉम्प्लिकेटेड इजी चल रहे हैं भैया इक्वल टू अगर लिखा हुआ है रूट के अंदर रूट के अंदर के बाद में ले लेंगे हम हम यहां लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस फोर और होल टू दी पावर सेवन अब लफड़ा हो गया क्या हमको होल टू पावर सेवन तो खोलते नहीं आती है होल टू पावर सेवन कैसे ओपन करेंगे चलो होल स्क्वायर होता तो हम फार्मूला लगा देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला ठीक है अगर ये क्या हो जाता आपका माइनस uh, होता है B का होली उसके तो लगा देते, भी होता, तो भी लगा देते। ये नहीं आता फार्मूला तो आपको कोई आपको उसको क्या मानना है ये मेरा एक्स है ओके ये आपका एक्स है और एक्स की पावर क्या है सेवन है तो डीवाई बाई डी एक्स में क्या कहते हैं कि पावर को आगे लाओ और एक पावर क्या कर दो कम एक्स की एक पावर कम कर दो पर x किसको माना है आपने एक्स क्यू प्लस फोर एक्स को x माना था और उसकी एक पावर क्या कर दो कम और अब जिसको x माना है आपने उसको एक बार डिफरेंशियट कर दो इसको कर दो आप जिसको आपने x माना था एक्स क्यू प्लस फोर एक्स को आपने x माना था इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है आपके लिए सेवन एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स और ये कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन अरे बहुत सिंपल है पावर आगे थ्री एक्स की पावर एक कम टू प्लस फोर एक्स है तो उसमें x की x एकस का एक्स में वन हो जाए तो कितना हो जाएगा फोर तो इस प्रकार से ये और डिफरेंशिएशन हो गया तो एक बार अगर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है तो आपकी गाड़ी चल निकलेगी और अगर आप अभी हाथ पे टेक दोगे तो दिक्कत तो होगी मैं फिर से रिपीट करूंगा कुछ फॉर्मूले और फिर कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे बनाएंगे उतना आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा आप रट्टा लगाओगे तो रटने से तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि डिफरेंशिएशन रट्टा टेक्नोलॉजी नहीं चाहता डिफरेंशिएशन चाहता है कि आप उसको करके देखें जब तक आप उसको करके नहीं देखेंगे आपको कहीं भी समझ में नहीं आना है चलो एक थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं ऐसा करते हैं हम लोग कि हमने लिख दिया वहा इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस वन ओके थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो मैं दूसरी चौक यूज कर लेता हूं आप लोगों को थ्री एक्स क्यूब प्लस वन इंटू यहां लिख दिया मैंने साइन एक्स स्क्वेयर अब यहां पर दो फंक्शन है आपके पास एक है आपका थ्री एक्स क्यूब प्लस वन है और एक ये एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, एक पहले वाला फंक्शन u कहलाता है दूसरे वाला फंक्शन v मैंने इसको दो क्यों माना क्योंकि ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है ये भी x है जैसे x रखूंगा तो ये अलग वैल्यू दे रहा है ये अलग दे रहा है इसलिए मैंने दोनों फंक्शन अलग अलग है मल्टीप्लीकेशन में कैसे किया जाएगा इसका डिफरेंशिएशन तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए मैं बार बार एक्स की बात कर रहा हूँ पहले वाले को सजा सजाया रख दो पहले वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं थ्री एक्स क्यूब प्लस वन इट्स का अब आपके पास फिर गाड़ी फंस गई कि आपको का तो सिखाया ही नहीं सर ने केवल साइन एक्स का सिखाया क्या सिखाया है कॉस एक्स अच्छा परंतु तो आपको एक्स किसको मानना है इसको एक्स स्क् को तो साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स स्क् परंतु तो फिर एक्स स्क् का एक बार और होगा तो x2 का कितना आएगा 2x और ये 2x इस x से मल्टीप्लाई नहीं होता ये 2x कहाँ लिखाता है आगे तो ये तो अभी पहली बात हुई मैंने क्या सीखा फिर प्लस आएगा फिर क्या आएगा प्लस अभी क्या किया पहले वाले को बिठाया दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया अब हम दूसरे वाले को बिठा देंगे नाउ कम एंड टेक द रेस्ट वो कितना हो गया आपका sin x2 इसको तो हम छेड़ नहीं रहे सेकंड टर्म है क्योंकि इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म कौन है आपका थ्री एक्स क्यूब प्लस वन अब थ्री एक्स क्यूब प्लस वन में थ्री एक्स क्यूब पर ध्यान दो एक्स क्यूब की पावर आगे आएगी तो कितनी हो जाएगी नाइन एक्स की पावर कम हो जाएगी टू और प्लस वन का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन होता नहीं है ये आ गया आप बस इसको एक बार आप थोड़ा सा सही तरीके से लिख लें सही तरीके से कैसे लिख लें थ्री एक्स क्यू प्लस वन इंटू कितना है आपका ये 2x ठीक है और ये कितना है cos एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी आगे लिखना है नहीं तो गलती क्या कर बैठोगे ये एंगल को इससे मल्टीप्लाई कर दो ये एंगल नहीं है नाइन एक्स और ये कितना जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर इस प्रकार से आपको डिफरेंशिएशन करना u यू बाय यू इंटू के टर्म्स का अब हम करेंगे u by v वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे अगर कोई फंक्शन u अपॉन v के फॉर्मेट में है तो कैसे करें? मतलब न्यूमरेटर में भी x के फंक्शन डिनोमिनेटर में भी x के फंक्शन तो हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन समझते हैं समझते हैं ल, कल इंटीग्रेशन कल सिखाएंगे हम आपको है ना इंटीग्रेशन के लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा और इलेवेंथ के जिन बच्चों ने ये इस पे मेहनत नहीं करी पूरे टाइम प्रॉब्लम में रहेंगे पूरे टाइम प्रॉब्लम रहेंगे क्योंकि फिजिक्स चला मतलब मैथमेटिक्स चला मैथमेटिक्स चला मतलब चुक चुक करते हुए कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन घुसेगा कहीं इंटीग्रेशन घुसेगा इज इट क्लियर हाँ, यहाँ देखते हैं मैं बता रहा था अगर फंक्शन किस रूप का है u v के फॉर्मेट का u v मतलब न्यूमरेटर में भी फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए डी एफ बाई डी एक्स निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दो और डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर में छोड़ दो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो फिर माइनस का साइन किसका साइन आएगा माइनस का और अब न्यूमरेटर को बिठा दो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया हमको सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं जब तक हम फार्मूला लगाएंगे नहीं हम उस फॉर्मूले में करेंगे नहीं क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो एफ इक्वल टू हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ फंक्शन के रूप में कैसे लिखा जाए कोई अच्छा सा एक फंक्शन ले लिया जाए आपके लिए अः एक काम करते हैं हमने यहां बहुत सिंपल फंक्शन ले लिया साइन एक्स अपॉन एक्स आप कोई बच्चा बोले सर इस एक्स को इस एक्स से काट दे अरे भैया ये एक्स एंगल का है आप समझने की कोशिश करो ये लिखा है थर्टी डिग्री अपॉन तो क्या ये कोई एंगल नहीं है आपका आप इससे इसको इसको काट दोगे ये गलतियां बहुत बार होती है परंतु तो तो हमको नहीं करना है अब हमको समझ में आ गया है कि जो एंगल के साथ लिखा हुआ है पीछे साइन के साथ लिखा, साथ लिखा या कॉस के साथ पीछे जो लिखा रहता है वो एंगल होता है उसमें सीधे नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या कटेंगे नहीं हम उसको कोई बात नहीं हमारे फंक्शन की ओर दौड़ के आ जाएं हमारा फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे डी एफ अपॉन क्या निकालेंगे डीएक्स तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में कौन है एक्स तो उसका क्या करेंगे एक्स डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे अब हम किसका करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कौन है साइन एक्स तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स फिर क्या लगाएंगे माइनस अब आप कॉस एक्स का साइन एक्स का कर चुके हो तो साइन एक्स को नहीं करेंगे अब डिफरेंशिएशन किसका करना है डिनोमिनेटर का तो डिनोमिनेटर में कौन है एक्स तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है वन सिखाया है x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है वन इंटू वन तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो चुका है x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कितना जाएगा x इसके तो इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे चलिए नहीं सर एक और अच्छा क्वेश्चन लीजिए और समझाइए ओके आप एक काम करो आपको f इक्वल टू टेन एक्स लिखा है टेन तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा डीएफ अपॉन डीएक्स कितना होगा बेटा तो आप बोलोगे सर सेक स्वयर एक्स इसमें क्या बड़ी बात है कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है मैं तो आपको केवल वो फार्मूला यूज करना सिखा रहा हूं कैसे करेंगे एफ इक्वल टू टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे कॉस एक्स अब न्यूमरेटर में भी एक्स का फंक्शन है डिनोमिनेटर में भी एक्स का फंक्शन है कैसे करेंगे तो हमको डी एफ अपॉन क्या निकालना है डी इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर किसका स्क्वायर डिनोमिनेटर का तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना नहीं छेड़ा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में कौन है साइन एक्स तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन डी बाई किसका साइन का ओके okay. फिर माइनस फिर क्या लगाना है माइनस अब जिसका कर चुके हो किसका कर चुके हो न्यूमरेटर का कर चुके हो तो उसको रहने दो अब डिफरेंशिएशन किसका करना है डिनोमिनेटर का डी बाय डी एक्स किसका निकालना है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कौन है कॉस x ओके okay. यहाँ लिखा कॉस x और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x माइनस ये है साइन x ओके okay. और ये कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x अपॉन क्या आया अब ये ये ध्यान से देखना माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस तो कितना हो हो कितना हो होता है वन तो वन अपॉन कितना हो जाएगा कॉस स्क्र एक्स और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक

बढ़ा सकते हैं इसकी कहानी बहुत लंबी है डिफरेंशिएशन के ऊपर डिफरेंशिएशन लगाया जाए अब दो क्वेश्चन में में जो एग्जाम्स आते हैं वो वाले डिफरेंशिएशन करवाऊंगा आपको से दो से तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकांशतः आते हैं और इसी फॉर्मेट में भी आएंगे ज्यादा बड़े डिफरेंशिएशन की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है हमको खासतौर से डिफरेंशिएशन की बजाय वहां पर कुछ एक क्वेश्चनों में इंट्रीग्रेशन की जरूरत अवश्य पड़ती है हम देखेंगे अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन लगता है तगड़ा देखें यहाँ पर एक फंक्शन हम आपको देते हैं मैंने ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट वन बाय थ्री टी क्यू प्लस टू टी स्क्वायर प्लस वन ओके okay. अब ये पूछा गया कि टी बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो पर या टी बराबर मैं कुछ दे देता हूं वन सेकंड पे टी बराबर वन सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी टी बराबर वन सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी तो ये क्या है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ टाइम

ओके okay, टी की पावर क्या हो जाएगी टू एक कम ओके okay. प्लस ये टू कहा आएगा आगे फोर टी एक पावर कम हो जाएगी और वन का वन के रेस्ट में कितना हो जाएगा जीरो अब जरा ध्यान से देखें टी से टी क्या हो गया आपका कैंसिल तो कितना बचा टी स्क् प्लस कितना आ गया फोर टी इक्वल टू कितना आ गया वी ओके okay. बहुत ही बढ़िया अब आपको क्या कहा है उन्होंने टी बराबर वन पर वेलोसिटी निकालने का तो जहां जहां टी दिख रहा है

आपको बोला गया इसका एक्सेलरेशन निकालो गाड़ी का तो एक्सेलरेशन वो भी पूछा गया कब तो आपको कहा गया टी बराबर टू से किसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को कहते हैं तो आपको वेलोसिटी को चेंज करना वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है तो आप जब उसको डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी को देखें एक बार डी वाई डी कितनी है t है है तो 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 अब इसको के में डिफरेंशिएशन करना है, तो टू कहां आएगा आपका आगे तो कितना हो हो जाएगा टू और t के पावर कम हो जाएगी तो टू में तो तो में एक बचेगी अब पर का, तो का फॉर्मूला कितना आपका टू टी प्लस टू टू टी प्लस टू अब देखिए क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि अब

भी आने लग जाएंगे धीरे धीरे डिफरेंशियन कुछ बुक से देखें वो भी कौन से देखना है जो लेवल के हैं ज्यादा टफ डिफरेंगी और, और बारहवीं में पड़ेगी हाँ जितने बच्चे इलेवेंथ में एंट्री ले रहे हैं उनको ये ये वीडियो को तीन से चार बार देखना है और तीन से चार बार करते भी आना चाहिए एक एक क्वेश्चन को सेल्फ करते आ जाना चाहिए इज इट क्लियर अगर इतना आ गया

कि परसों पढ़ लेंगे तब पढ़ लेंगे नहीं परमानेंट नहीं रखूंगा टाइम पर पढ़ के जाते हो क्यों आप कोचिंग क्यों टाइम टेबल पे आते थे कि यार वो टॉपिक छूट गया तो सर बाद में नहीं पढ़ाते हैं वो टॉपिक छूट जाता है तो भी रह ही जाता है भले अपन कहोगे रिवीजन में भी कवर हो जाता है तो उतना अच्छे से कवर नहीं होता है इसलिए आप ईमानदारी से ट्यूशन टाइम पे आते हो कोर्स को टाइम पे करके चलते हो और अभी क्या हो रहा है कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आप लेजी होकर उन वीडियोस को देख रहे हो जबकि आपको एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखना है तब जाके आपका फिजिक्स मजबूत होगा और अगर फिजिक्स ही मजबूत हो गया इलेवंथ में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को दो दो तीन तीन बार पूरा पूरा देखें क्लियर है और इसको भी दो से तीन बार देख के रिविजन कर करके नोट्स बनाए ओके थैंक यू